मैं प्रेम सिंह दरेकू जी, और हाल में जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चे का गठन हुआ, उसका मैं प्रवक्ता हूँ जी। और स्वर्ण आयोग की आड़ में अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ झूठा और आधारहीन प्रोपेगेंडा किए जा रहा है, साफ सबको पता है। समाज में आज डर और दबाव का माहौल है। अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा इसकी निंदा करता है, इसका विरोध भी करता है। वह यह मोर्चा स्वर्ण आयोग का भी जो गठन हुआ है उसका भी विरोध करता है। यह सवाल किया जा रहा है कि 72 साल से आरक्षण दे रहे हैं, कब तक दोगे? 5000 साल तक सामान्य वर्ग का शासन, शिक्षा और नौकरी में एकाधिकार रहा, क्षेत्र में वैश्य समुदाय का एकाधिकार रहा, इसमें कोई नहीं बोला। सामान्य वर्ग का अभी भी आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में अधिकार, उनका एकाधिकार जो है बरकरार है। 80% जो सरकारी नौकरियां हैं वे 45% सामान्य वर्ग के पास है, लेकिन इस पे कोई नहीं बोलता। असमानता की खाई को पाटने के लिए जरा सा आरक्षण दे दिया तो खलबली मची हुई है और बड़ा भारी हंगामा हो रहा है। जहां तक एट्रोसिटी एक्ट का संबंध है, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप शूद्रों को भी इंसान समझिए, समाज का हिस्सा समझिए, छुआछूत खत्म कीजिए, भेदभाव खत्म कीजिए, वो भी समाज के हिस्से हैं। अगर ऐसा हो गया तो ना तो फिर कानून की जरूरत पड़ेगी, ना एट्रोसिटी की आवश्यकता पड़ेगी। अब क्या आपका अगला कदम है? विरोध आप क्यों कर रहे हैं सामान्य वर्ग का योग? इसका विरोध देखो ऐसा है कि मैंने कह दिया कि पूरे सिस्टम में, पूरी व्यवस्था में, पुलिस है, प्रशासन है, राजनीति है, आर्थिक, आयोग किस लिए चाहिए? आयोग का काम क्या है? रिकमेंड, सारा काम तो सरकार ने करना है, राजनीति ने करना है, प्रशासन ने करना है, वहां तो सारा दबदबा उनका सामान्य वर्ग का है। उनको आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है, ना उसको उनको फायदा होगा। अब शेड्यूल कास्ट के पास तो जो संवैधानिक आयोग है उसका क्या फायदा हो रहा है? अभी तो सफरी करें ना, असली अंतिम फैसला सरकार ने लेना होता है, अंतिम फैसला प्रशासन ने लेना होता है, अंतिम फैसला पुलिस ने लेना होता है, अंतिम फैसला न्याय व्यवस्था है, सब उन्हीं के पास है। उनको आयोग की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसका एक ही मंशा है कि जो हमारे शेड्यूल कास्ट ST OBC को जो अधिकार मिले हैं उनका जो आधार है, अधिकार का आधार जिस बेसिस पे वो मिले हैं, उनको ढीला करें, उन पर कुठाराघात करें, तक अब सरकार बोल रही है इनको भी दिक्कत है, इस तरह की बात आएगी ना। जब इनको भी दिक्कत वाली बात आएगी तो फिर हम हमारे जो राइट्स हैं उनमें असुरक्षा पैदा हो जाएगी, उनको दिक्कत पैदा हो जाएगी।